ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम से डकैत गुड्डा गुर्जर की मुठभेड़ हुई है। इस दौरान गुड्डा गुर्जर के पैर में गोली लगी और उसके बाद आतंक का पर्याय बनते जा रहे गुड्डा गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस अधिकारियों को उचित निर्देश दिए थे। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर के भवरपुर थाना क्षेत्र के बसौटा के जंगल में ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने गुड्डा गुर्जर का शॉर्ट एनकाउंटर किया है। डकैत गुड्डा गुर्जर ने मुरैना और श्योपुर जिले में अनेक वारदातों को अंजाम दिया है। उस पर अभी 60,000 रुपए का इनाम घोषित था। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गुड्डा गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। डकैत गुड्डा गुर्जर के ऊपर 28 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं, जिनमें 3 हत्याएं, 5 हत्या के प्रयास, अपहरण, अपहरण का प्रयास, फिरौती के साथ कई मामले दर्ज हैं। तो ये एडीजी सर और एसपी सर के नेतृत्व में ये टीमें बनाई गई थी और इसमें सीएसपी रत्नेश तोमर यूनिवर्सिटी और इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम बनाई गई थी, आईपीएस सीएसपी मुरार सी ऋषिकेश मीना जी और इसके अलावा टीआई क्राइम ब्रांच और एसओ भवरपुर, इन सभी लोगों की टीम बनाई जाकर ये सर्चिंग ऑपरेशन लगातार पिछले 7 दिनों से चल रहा था। पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन आज मिलने पर फोर्स के द्वारा, टीमों के द्वारा वहाँ स्ट्राइक किया गया और ये जो एरिया था भवरपुरा के डाड़िया खरक का जो बासोटा जंगल है वहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ। वहाँ सर्चिंग ऑलरेडी सुबह से चली रही थी क्योंकि हमें पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन थी। 3 दिन से लगातार हमारी टीमें वहाँ पर लगातार सर्च कर रही थी, इनपुट मिल रहे थे, लेकिन आज स्ट्रॉन्ग इनपुट था और रात को ये एनकाउंटर की स्थिति बन गई और एनकाउंटर हुआ। उन्होंने जवाबी फायर किए जिसके जवाबी फायर में हमारे द्वारा फिर उनके ऊपर फायर किया गया और उसमें डकैत जो सरगना है गुड्डा गुर्जर वो घायल हो गया। उसको फिर तत्काल उसको हॉस्पिटल रेफर किया गया और उसको हिरासत में ले लिया गया। तो कुल मिलाकर उस पर 60,000 रुपये का इनाम था और मुरैना शिवपुरी ग्वालियर से वॉन्टेड था। ये देखिए अभी पुलिस की तरफ से ये लगातार हम काउंट कर रहे हैं क्योंकि पुलिस की 3 टीमें थी और 3 टीमों के द्वारा अपना जो फायरिंग की है वो सबका पूरा चल रहा है। चूँकि ये हमारे ऑपरेशन सीक्रेट होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत हम बता नहीं पाएंगे। कितने साथी इसके भागे? ये कुल मिलाकर जो सूचना मिली थी हमें पिन पॉइंट की थी वो 4 लोगों की थी, जिसमें से कि एक गुड्डा था, उसमें 3 अन्य लोग थे जो कि मुरैना पहाड़गढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो उनकी सूचना पर ही हमारे द्वारा ये सर्चिंग चलाई गई थी, जिसमें ये 4 लोग दिखे, तब जाकर फायरिंग जब उधर से शुरू हुई तब जाकर पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए एक डकैत को घायल किया जो गुड्डा गुर्जर निकला। 3 लोग मुरैना की तरफ भागे हैं। हमारी सर्च टीम लगातार लगी हुई है, मुरैना बॉर्डर पर भी लगातार फोर्स बढ़ाया गया है क्योंकि अगर वो उधर भाग कर जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर उनको पकड़ लिया जाएगा। गोली कहाँ मारी है? देखिए शॉर्ट एनकाउंटर पर गोली चली है, गोली जब ये घायल अवस्था में पड़ा हुआ था जब सर्चिंग चल रही थी तो ये फिर देखा तो इसके घुटने के नीचे गोली लगी हुई। उसके कोई साथी भी गिरफ्तार हुआ है साथ? अभी जैसा कि मैंने बताया सर्चिंग चल रही है, 3 लोग अभी फरार हैं, टीम पार्टी वहाँ मौजूद है बासोटा के जंगल में। अतिरिक्त बल भी बढ़ा दिया गया है, लाइन से भी फोर्स लगा लिया गया, बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिया। अगर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे जल्दी पकड़ पाएंगे। कोई हथियार बरामद? इनसे 315 बोल का राइफल गुड्डा गुर्जर से बरामद हुआ और इसके अलावा इससे लगभग 35 से 40 के करीब राउंड भी बरामद हुए हैं और एक विंडोरिया बरामद हुई है। बेहोश अभी होश में नहीं है, अब डॉक्टर से बात चल रही है लेकिन संभवतः खतरे से बाहर। तो किस तरह से इसका पूरा रिमांड लेने लिया? देखिए अभी तो फिलहाल काफ़ी चीज़ें अभी पेंडिंग है, अभी सर्चिंग चल रही है, सर्चिंग में कहाँ कहाँ गोलियाँ चली हैं, खोखे वगैरह सारी चीज़ें बरामद कर रही है। टीम लगी हुई है वहाँ पर सर्चिंग कर रही है फ्लड जो लाइट्स में टॉर्च में और इसके अलावा फिर उसमें दियासी नालसी लिया कर कार्रवाई की जा रही है। ठीक, थैंक यू सर। पुलिस को सूचना मिली थी कि भंवरपुरा के बसोटा जंगल में गुड्डा गुर्जर होने की खबर मिलने पर पुलिस द्वारा वहाँ दबिश दिया गया और दबिश के दौरान एक गुड्डा गुर्जर के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में गुड्डा गुर्जर को गोली लगी और उसको अभी अस्पताल लाया गया है। इससे एक 315 बोर का राइफल भी बरामद की गई पुलिस द्वारा और इसका 2-3 साथीदार भागने में सफल हुए हैं। गुड्डा गुर्जर के ऊपर 60,000 का इनाम है, 30,000 ग्वालियर आई जी की तरफ से, 30,000 चंबल आई जी की तरफ से और इसके ऊपर 3 मर्डर, 5 307 के अलावा 28-30 गंभीर अपराध इसके ऊपर है अभी तक और ग्वालियर चंबल में ये बहुत वांटेड डकैत है। तो इस एंगल से पुलिस ने बहुत मेहनत करके आज सफलता अर्जित की। इनपुट मुखबिर की सूचना मिली है, नेचुरली मुखबिर को हम आउट नहीं कर सकते हैं तो काफ़ी लंबे समय से तलाश रहे थे तो आज सफलता मिली। इसके और कुछ भी साथी सर इसमें आए हैं? गिरफ्तार हुआ है शॉर्ट एंड कुछ साथी है, भागने में सफल हुए, पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। सर किस तरफ मूव करना चाह रहा था ये, ग्वालियर के थ्रू कहाँ मूव करना चाह रहा था ये? अधिकांश इसका मूवमेंट मुरैना ग्वालियर शिवपुरी तरफ जंगलों में ही होता है और लंबे समय से हम ट्रैक कर रहे थे।
आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना और श्योपुर जिले में आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे 60,000 रुपए के इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर को लेकर वीसी में नाराजगी जाहिर की थी। सीएम ने कहा कि दस्यु मुक्त हो चुकी चंबल घाटी में डकैत गिरोह की गतिविधियों से पूरे प्रदेश की छवि बदनाम हो रही है। शुक्रवार को जबकि सीएम शिवराज मुरैना आ रहे हैं, उससे पहले ही पुलिस ने यह अहम सफलता हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।